Basti Rehne Chahiye for the showman. 1968 की फिल्म आराधना में एक चमत्कार था। इस फिल्म से जुड़े हर इंसान ने इतिहास रचा। किशोर कुमार से लेकर आरडी बर्मन से लेकर एसटी बर्मन से लेकर आनंद बख्शी से लेकर राजेश खन्ना से लेकर फिल्म में राजेश खन्ना के दोस्त का छोटा सा रोल निभाने वाले एक्टर श्री सुभाष घई तक सबने इतिहास रचा। 1978 तक ये किसी और के लिए कालीचरण और विश्वनाथ जैसी बैक टू बैक हिट्स बना चुके थे, पर इनके अंदर के शोमैन ने इनको अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए ललकारा और 24 अक्टूबर 1978 को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के डेट पर इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर लॉन्च किया मुक्ता आर्ट्स। कर्ज, हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश और ताल जैसी भव्य ब्लॉकबस्टर्स मुक्ता आर्ट्स की देन है। तो इन्हीं के हाउस से इकबाल, जॉगर्स पार्क और एतराज जैसी बेहतरीन फिल्में भी आई हैं इसी आर्ट हाउस से। हर एक्टर जिसने 80s और 90s में फिल्में की है उसका सबसे बड़ा सपना होता था कि वो मुक्ता आर्ट्स की फिल्म करे और उन्हें ये डायरेक्ट करे। ये सपना आज भी बरकरार है। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शिहाद्री की लाइफ की पहली ब्लॉकबस्टर हीरो हो या श्रीदेवी और अनिल कपूर की लाइफ की पहली ब्लॉकबस्टर कर्मा, सब मुक्ता आर्ट्स की फिल्में हैं। 1999 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत आए थे तो इन्हें देश के नंबर वन डायरेक्टर के बतौर उनसे परिचय करवाया गया था। एक दिन हर कोई दोहराएगा कि भले ही दुनिया इन्हें कहती है सुभाष घई, पर इन्होंने जितना हासिल किया है आई एम श्योर के ऊपर वाला भी इनसे कहता है शाबाश घई। वाह, आज इंडियन आइडल का, उनकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये जश्न मनाया सेलिब्रेटिंग मुक्ता आर्ट्स। मुक्ता आर्ट्स जो हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि मेरी पत्नी का नाम मुक्ता है और बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैंने 24 अक्टूबर 78 से प्रोडक्शन शुरू की थी। 24 अक्टूबर हमारे लिए विशाल जी एक रेड लेटर डे बन गया। जितनी भी फिल्में हमने बनाई, हीरो, कर्मा, रामलखन, सौदागर, खलनायक, सभी फिल्में हमने 24 अक्टूबर को लॉन्च की, ऑल फिल्म्स। और 24 अक्टूबर के दिन ही मेरी शादी हुई थी, तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी 24 अक्टूबर को है। तो मैं ये कहूँगा कि इसका श्रेय मेरी पत्नी मुक्ता जी को भी जाता है जो मेरे लिए प्रेरणा आज तक बनी हुई हैं। I'm very grateful to all of you and my all salute to this esteemed, beautiful, talented people, three people in front of me. आज जो भी इंडियन आइडल देख रहा है, for them it's going to be a Subhas Ghai experience. God bless, God bless. Thank you sir, thank you. जोरदार ताली। आदि, मैं जेन्युइनली, क्योंकि मैं विनीत को बहुत पर्सनली जानता हूं, तो मैं जानता हूं कि इस वक्त इस धरती पर अगर सुभाष जी का सबसे बड़ा कोई फ़ैन है तो वो विनीत है। सर, मैं जेन्युइनली आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। वो दो लाइन तो मैं, मुझे लगता है कि करके दिखानी चाहिए लोगों को। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। यानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। सेट पर अगर कोई सिनेमा लवर है वो हमारे एचआर है। और सर, अब ठकराल वाला डायलॉग हो ही जाए। नहीं नहीं, ठकराल हो गया अभी। द डायरेक्टर से साइलेंस प्लीज, साइलेंस। ठकराल का मेरी जंग के डायलॉग मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी फरमाइश में आपको बोलना पड़ेगा। इसके मैं तुम्हें 75 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने 75 लोगों को जिंदगी में फांसी दिलाई है।
ठकराल साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कोई अकेला नहीं होता फांसी के तख्ते पर। उसके साथ दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक खुशी, उसके घर में उतरने वाली एक एक किरण, सबको एक साथ फांसी हो जाती है। और देख लीजिए 75 लाशों पे खड़ा हुआ ये ठकराल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना ठकराल, के बेगुनाहों का खून पलट कर कातिल के दामन पर आता है और उससे उसकी बेगुनाही का हिसाब मांगता है। और तुझसे ये हिसाब मैं लूंगा ठकराल, मैं लूंगा। इनका नाम मैंने रखा है कि मास्टर एनर्जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली टू गुड। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को। अब वो जिनके पापा ने उन्हें और पापाओं की तरह एरोप्लेन में बिठाकर दुनिया नहीं दिखाई, पर हाँ अपने कंधों पर बिठाकर सड़क पर बने रेलवे फाटक से गुजरती ट्रेन जरूर दिखाई, अपने कंधों पर बिठाकर मेला जरूर घुमाया। और इसीलिए बेटी आज इतना फेम पाते ही उड़ नहीं रही है, जमीन से जुड़ी है। इतनी अच्छी सीख के लिए जो अपने पापा के कदमों पर रख देना चाहती है दुनिया का हर जॉय, देबोस्मिता रॉय। जा रे जाओ हर जाई देखी तेरी दिल
सच में एपिक गाने, एपिक पिक्चराइजेशन, उस एरा को वापस ले आए आप देबोस्मिता. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. हर कंपटीशन में जो सिंगर्स होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो जजेस को कहने पे मजबूर करते हैं कि आपने, आपसे एक नोट भी नहीं छूटा. दैट इज नॉट ईजी. इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल. प्रोग्रेस इज माइंड ब्लोइंग. क्या बात है. थैंक यू सर. थैंक यू. मुझे नखरे आप कर रही थी इतनी अमेजिंग सिंगिंग के साथ. ये ऐसे वो करते हैं, भलाइयां लेते हैं. आप इस शो की एक स्टार हो, आपको पता ही नहीं आपका. आपको बस सिंगिंग में इंटरेस्ट है, बस और कुछ नहीं. शत्रु जी को डायरेक्ट करना, रीना रॉय जी के साथ काम करना, ये एक्सपीरियंस कैसा था सर आपके लिए एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर? जब मैं एक्टर था और कुछ फिल्में मुझे एज अ हीरो भी मिली थी जी, उसमें एक फिल्म थी गुमराह. उस गुमराह फिल्म में रीना रॉय जी मेरी हीरोइन थी, तो हमारी दोस्ती भी थी. तो जब ये मुझे कालीचरण फिल्म मिली, तो कालीचरण ने लिखी थी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ही. तो जब हीरोइन की बात चली तो मैंने प्रोड्यूसर को, रीना रॉय को रिकमेंड किया कि वो अच्छा करेगी रोल ये. तो शत्रु जी हैरानी की हीरोइन रीना रॉय क्यों? मैंने बोला रीना रॉय यू, जब आप देखेंगे तो फिर आप कहेंगे हाँ रीना राय यू. कालीचरण में शत्रु जी को रीना राय बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बेचारे काम कर रहे थे मजबूरी से मेरे साथ भी. और फिर जब पिक्चर हिट हुई तो इन उनको रीना राय ही सबसे ज़्यादा पसंद आई. और फिर दूसरी पिक्चर मैंने विश्वनाथ बनाई तो उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि आगे मुझसे मत पूछिएगा क्या हुआ. सर एक और सवाल था मेरा, ये जो गाना है तुझे याद किया तेरा नाम लिया, इसमें एक बहुत ही अद्भुत सीन दिखाया हमने कि जो लड़के हैं वो बड़ी साड़ियां पहनकर डांस कर रहे हैं और बहुत ही कमाल लगता है वो स्क्रीन पर. मैं ये जानना चाहता था कि ये आपने पहले से सोच के रखा था सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छा, ये जो आप पोर्शन देखते हैं कि अनिल कपूर और जो लड़के हैं वो साड़ियों में नाच कर रहे हैं जी, वो मुझे सिर्फ शूटिंग के सुबह मुझे ध्यान आया कि जी वो जो गाने का लास्ट अंतरा है, जो कोड़ा है, वो मुझे आज शूट करना है शेड्यूल में जी. तो मैंने बोला वो लड़कियां तो है नहीं जो कोरस डांसर जो होते हैं खेतों में भाग रही होती हैं. पहले ज़माने में ऐसी फिल्में होती थी जब खेतों में लड़कियां घूम रही होती थी पल्लू लेके. तो मैंने बोला अच्छा लड़कियां नहीं लड़के हैं? कहले जी हाँ लड़के हैं, देना दिन धा वाले. तो मैंने उनको बुलाओ और बाजार से कुछ 10 साड़ियाँ लेकर आओ. मैं बोला आज ये लड़के लड़की ही बनेंगे आज. तो उसके बाद मैंने अनिल कपूर को भी होटल से बुलाया. मैं बोला तुम लाइन में खड़े हो जाओ और ये साड़ी पहनो और साड़ी पहन के बोलो तेरा नाम लिया. और तुम भाई को चिढ़ा रहे हो अपने. तो वो एक आइटम उसी दिन बनी थी और उसी दिन शूट हुई. क्या बात है सर, उसी दिन आपको ये आइडिया आया और इसी दिन मेरे भी दिमाग में एक आइडिया आया है. यहाँ पर भी कुछ बॉयज हैं जो मुझे लगता है कि साड़ी में बड़े कमाल के लगेंगे. जैसे कि मैं और विशु सर और हमारे प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट्स. क्या आप हम बॉयज को साड़ी में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? यस यस यस. विशु सर, विशु सर, क्या बात है. ब्रेवो ब्रेवो. विशु भी साड़ी पहनेंगे. पे पल्लू कमाल लगेगा विशु के.
विशु सर के लिए तालियां। देबो क्या गाया है यार, क्या गाया है, ऐसा गाया है कि मौसम बदल दिया। एक नॉन कंपेटिटिव परफॉर्मेंस तो बनता है और इस खूबसूरत परफॉर्मेंस को दे रहे हैं चिराग एंड अनुष्का। आज आपने क्या तैयारी की है आदि भैया? आज इतने बड़े डायरेक्टर सुभाष घाई सर हमारे साथ है और हम उनके ही आइकॉनिक गानों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने जम के तैयारी की ताकि इन आइकॉनिक गानों को जस्टिस दे सके, लेकिन थोड़े नर्वस थे कि कैसे निभा पाएंगे, और हमने एक लंबी सांस ली और अपने आप पे भरोसा किया कि ये परफॉर्मेंस यादगार बनाएंगे। बिल्कुल सही किया, अपने आप पे फुल भरोसा रखो और शुरू हो जाओ। तू कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 मैं 17 बरस। क्या बात है सर, बिल्कुल हो। सर, एज इज इन द माइंड, नॉट इन कैलेंडर। आई एग्री 100%। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। आपका नाम चिराग है? जी सर। सुना है मैंने कि आपके चिराग कभी कभी बुझ जाते हैं। सुनने में आया है कि काव्य ने चिराग की रोशनी बुझा दी।
देखो बेटा, याद रखना एक बात, जब जब कोई आपको बुझाने की कोशिश करे, मिटाने की कोशिश करे, हराने की कोशिश करे, समझना मेरी जीत का पहला कदम शुरू हो गया। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है यार, मेरे साथ तो स्टार लोगों ने भी ऐसा किया है। जब मेरी फिल्म क्रोधी नहीं चली थी कर्ज से पहले, तो सारे स्टार्स मुकर गए थे मेरे साथ काम करने के लिए। कालीचरण विश्वनाथ हिट तो सब आ गए थे, और जब फ्लॉप हुई तो सब चले गए। तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं स्टार के साथ काम नहीं करूंगा, इसीलिए उस फिल्म जो किसका नाम हीरो है उसका जन्म हुआ। हाय हाय, क्या बात है। और हीरो फिल्म से 7 स्टार्स बने, 7 स्टार्स। तो ये जो शक्ति आप में आएगी ना, आप देखना, ये चिराग बन के एक बहुत बड़ा सितारा बनेगा, जिसमें बड़े बड़े कवि और काव्या आपको देखेंगे। शुक्रिया सर। God bless you. Thank you, sir. Thank you, Anushka. Thank you, Chirag. आज हम मुक्ता आर्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अब मुक्ता आर्ट्स की फैमिली मेंबर आज इंडियन आइडल के स्टेज पर हमारे बीच जुड़ने वाली हैं। सो प्लीज वेलकम मेघना घाई, सुभाष घाई जी की प्यारी डॉटर, द प्रेसिडेंट ऑफ विस्लिंग वुड्स। क्या बात है। पापा कितने भी फेमस हो, जो भी काम करें, पापा पापा होते हैं। और आई थिंक एक बेटी के लिए स्पेशली पापा बहुत स्पेशल होते हैं, और आई थिंक उनके लिए मैं बहुत स्पेशल हूँ, वो तो मुझे पता है। कोई भी बच्चे के लिए इससे बड़ा क्या होगा कि उन्होंने अपना जो सपना था, मैं 21-22 साल की थी जब पापा ने मुझे बुलाया लंदन से और कहा कि बेटा ये तुमको देखना है। एंड आई थिंक वो उससे बड़ा अवार्ड कोई भी बच्चे के लिए नहीं है कि वो इतना मुझे ट्रस्ट करते थे कि उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। एक पिता जब अपने बच्चों को एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते देखता है, उससे बड़ा गर्व उसको अपनी सफलता पे भी नहीं होता जितना उसको बच्चों के लिए होता है। क्या बात है। जब 21 साल की थी और मैंने इनसे कहा कि आपको काम संभालना है, वो मेरा एक सपना था कि मैं जब भी एक्सपीरियंस, पैसा, नॉलेज सब आ जाए तो अपने भारतीय बच्चों के लिए एक ऐसा फिल्म स्कूल खोलूं जिसमें कि वो आए और फिल्म मेकर्स बने। और तो मैंने सब कुछ उसमें दांव पे लगा दिया, और फिर मैंने अपने बेटे को विश्वास से कहा कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सीख के सीखती रहना और इसको आगे बढ़ाना है विस्लिंगवुड इंटरनेशनल को। और 2006 में ये फिल्म विस्लिंगवुड था, हमने 80 स्टूडेंट से शुरू किया था। आज हमारे 3000 बच्चे जो हैं पूरी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में और ऑल इंडिया इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। पूरा जो आज विस्लिंगवुड वन ऑफ द टॉप 10 बना, उसका पूरा श्रेय मैं अपनी बेटी मेघना को देता हूँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, तो आज मैं आपको एक किताब देना चाहूंगी जो आनंद बख्शी साहब की बायोग्राफी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू मेघना। और अब दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वो घड़ी आ गई है जब हमें आप में से किसी एक को अलविदा कहना होगा। हमारे इस हफ्ते के जजेस कोर्स के हिसाब से वो 3 कंटेस्टेंट्स जो इस हफ्ते बॉटम 3 में हैं, वो नाम है पहला नाम
अनुष्का दूसरा नाम है चिराग और तीसरा और आखिरी नाम है रूपम। और पिछले हफ्ते के जनता के वोट्स के मुताबिक आप तीनों में से जिसे सबसे कम वोट्स मिले हैं और आज जिसका इंडियन आइडल का सफर यही खत्म होता है वो नाम है रूपम। I'm sorry, रूपम। चिराग अनुष्का कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं और आप इंडियन आइडल के टॉप 11 में पहुंच गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Rupam, you've killed it actually in this season and people are loving your voice, your versatility, your tonal quality. Aur main to bahut jaldi tumhare sath ek gana record kar raha hu. Very, very soon. Absolutely. Super. I completely agree. All the best, Rupam. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.